शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा कुनाल वापस वापस आ गया, तुम वादा करो हमसे, तुम हमें कभी छोड़ के नहीं जाओगे। कुनाल तुम कभी हमें छोड़ के नहीं जाओ। उस बार तो बर्दाश्त कर लिया था हमने, लेकिन इस बार अगर तुम गए ना कुनाल, हम मर ही जाएंगे। हमें माफ कर दो, हमने अपनी जाने अनजाने में तुमसे बहुत कुछ कहा, तुम्हें बहुत तकलीफ दी बेटा, तुम्हें खरी गोटी सुनाई, इतनी सारी बातें कही जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी। तुम्हारा मान सम्मान इज्जत कुछ नहीं दिया हमने तुम्हें, हम तुम्हारा मुंडन करवाना था, तुम्हें एक विधवा की जिंदगी जीने में बचा। इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे, गलती पे गलती करते गए हम और तुमने कभी उफ तक नहीं किया। इतना बड़ा कलेजा कहाँ से लाई बेटा? अर्शी माफ कर दो हमें। कांगी माँ, कांगी माँ, आप प्लीज हमसे ऐसे माफी मत मांगिए। वैसे भी हमें आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा, सच में। और आप हमसे बड़े हैं, बड़ों का हाथ कभी कभी माफी मांगने के लिए नहीं उठता है, वो तो सर पे आशीर्वाद देने के लिए उठता है ना। सही कहा तुमने, अब हमारा हाथ सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए उठेगा। और जो जो गलतियां हुई है ना हमसे, हम आज ही उसे सुधारेंगे, हम सब ठीक कर देंगे। अब तो हम भी मान गए, राम में लाई जोड़ी है, इसलिए तो इतने सालों से एक आंच नहीं आई तुम दोनों पे। ये जोड़ा उसने बनाया है तो आप कौन होते हैं इसे तोड़ने वाले? राम जी आप दोनों को हमेशा खुश रखे, हमेशा सुखी रखे। किसी ने किया ना होगा पहले इतना, चाहेंगे तुम्हें इतना, चाहेंगे तुम्हें इतना, चाहेंगे तुम्हें इतना, चाहेंगे तुम्हें इतना। पापा, हम बहुत खुश हैं बेटा, हम तो सिर्फ नाम के पिता थे, असली माँ बाप ये है तुम्हारे। आज तुम्हें तुम्हारा असली परिवार मिल गया है, और उससे भी बढ़कर मुझे तेरा प्यार मिल गया है, मुझे तेरा प्यार मिल गया। पापा, तू हमारी चिंता मत कर, हम ठीक हैं, हम खुश हैं, बहुत खुश, और हमें कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा बेटा हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। रोहिणी भाभी,
हमें माफ कीजिएगा, क्या है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है ना, सब सब भगवान के हाथ में होता है, वही सबकी किस्मत लिखता है, वही सब कुछ करता है। और फिर भगवान ने तो इन दोनों की जोड़ी बचपन में ही बना दी थी, बचपन में ये दोनों बिछड़ भी गए थे, लेकिन लेकिन ऊपर वाले की कृपा से दोनों फिर मिल गए। इसलिए हम माफी चाहते हैं, आपकी बेटी की शादी नहीं हो पाई, उसकी डोली नहीं उठ पाई, और उससे पहले ये सब, हम माफी चाहते हैं। नहीं भाई साहब, आप माफी मत मांगिए, इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। गलत है तो शायद हमारी गीत की किस्मत, हमें लगता है कि गीत के भाग्य में से लिखा ही नहीं था, इसीलिए इन दोनों की शादी होते होते दो बार टूट गई। हमें लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हें तुम्हारा प्यार, तुम्हारा हम सफर, तुम्हारा हम दर्द मिल गया। अब मुझे यहां से चलना चाहिए, चलती हूँ। सिर्फ रुक जाओ गीत, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मतलब तुम्हारी एग्जाम आने वाली है ना, इसीलिए तुम यहाँ पर रुकी थी ना, तो फिर बिना एग्जाम्स दिए कैसे जाओगे? तुमने सिट के पे इतनी हेल्प की है, आई एम श्योर वो भी यही चाहेगा कि तुम अपनी एग्जाम्स देकर जाओ, छोड़ कर नहीं। हाँ गीत, विद्या सही कह रही है, तुम्हें ऐसे बीच सेशन नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा पूरा साल खराब हो जाएगा, करियर की बात है। अभी पेपर्स आने वाले हैं ना तुम्हारे, उस पर फोकस कर, तब तक रुक जाओ, एग्जाम दे के जाना। बाबा बाबा, गीत ने मेरा हर जगह हर मोड़ पर बहुत साथ दिया है, जबकि ये जानती थी कि मैं आशी से प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी इसने आशी की जान के बारे में सोचा, एक सच्ची दोस्त का पूरा फर्ज निभाया, तो क्या इसके लिए हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? रोहिणी भाभी, बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अरे इसमें गीत की क्या गलती है, हम इसका साल क्यों बर्बाद करें, इसकी पढ़ाई क्यों बर्बाद करें, उसे यहीं रह के पढ़ने दीजिए, एग्जाम के बाद आ जाएगी। और हाँ, आपको भी अभी जाने की क्या जरूरत है, आज रात यहीं रुक जाएंगे, कल चले जाइएगा प्लीज। चलते हैं, अपना ख्याल रखना अमृता, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए, तुमने तो हमारी बेटी की खुशी के लिए अपनी जी जान लगा दी, शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें तुम्हारी जान लौटने दी। सच में बहुत खुश है, लेकिन भगवान ने मुझसे मेरी खुशी, मेरी जान छीन ली, मेरे साथ इतना बड़ा गलत। नहीं मॉम, गीत नाम है मेरा, मैं खुद के साथ तो कभी गलत नहीं होने दूंगी, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। अब चलते हैं। नकुल चलो बेटा। नहीं मॉम, मैं नहीं आ रहा हूँ। क्यों मॉम? गीत को यहाँ पर ऐसी हालत में अकेले छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लग रहा, तो जब तक इसके एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते मैं यहीं रहूंगा, मतलब यहाँ नहीं अपने दोस्तों के साथ, फिर जैसे इसके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे मैं इसको साथ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। नहीं सिड, मैं तुझे यहां मजे लेते हुए छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, भूला नहीं हूं आज तक तूने मेरे साथ क्या किया, तुझे तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। अब तक चुप था, लगा था मेरी बहन के साथ शादी करेगा, लेकिन तूने क्या किया, इस आशी के लिए आखिर मेरी बहन को छोड़ दिया ना, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा अमित, अमृता भाभी, हम भी चलते हैं। सदा स्वागत रहो। ना कोई शिकायत का मौका देना और ना कोई ऐसा काम करना तुम्हारे ससुराल वालों का सर शर्म से झुक जाए। खुश रहो बेटा। विनोद, तुम आराम से जाओ,
और आशी की फिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमें आशी पे पूरा विश्वास है। यार अमित, मुझे माफ कर देना, जो भी गलतफहमियां हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।